बेलारूस में हैकर्स के ग्रुप ने देश की रेलवे का कंप्यूटर सिस्टम हैक करने का दावा किया। हैकर्स ने बेलारूस की सरकार को रैनसमवेयर से धमकाया, कहा अगर रूसी सैनिकों की टुकड़ी बेलारूस आती है तो वे यातायात में बाधा डालेंगे। साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट्स लंबे वक्त से देशों को हैकर अटैक से सावधान करते आ रहे हैं, पर ये कितना बड़ा खतरा है? देशों के रेलवे, बिजली और पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रैनसमवेयर कितने खतरनाक है? क्या बेलारूस जैसी घटना कहीं और भी हो सकती है? हैकर्स का कहना है कि उन्होंने रेलवे का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लिया है और इसका डेटा इनक्रिप्ट कर दिया है, यानी जानकारी को बंधक बना लिया है। अब वे राजनीतिक मांगे पूरी होने पर ही इस डेटा की चाबी देने की बात कर रहे हैं। ये सीधी सी ब्लैकमेलिंग है और कीमत बहुत भारी है। बेलारूस के ऑपोजिशन हैकर ग्रुप ने सरकार से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और रूसी सैनिकों को देश में आने से रोकने की मांग की है। इससे पहले रूसी सैनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए बेलारूस आए थे। यूक्रेन और रूस में तनातनी के बीच ऐसे सैन्य अभ्यासों की वजह से ही रूस और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ रहा है। दुनिया भर में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रैनसमवेयर का शिकार हो सकता है, पर ये होता कैसे है? रैनसमवेयर बुरे किस्म का एक सॉफ्टवेयर है। ये किसी डिवाइस या नेटवर्क पर हमला करके इसकी सारी जानकारी बंधक बना लेता है, फिर डेटा छोड़ने के बदले फिरौती मांगी जाती है, जो अक्सर क्रिप्टो करेंसी में होती है। ना देने पर डेटा मिटाने या सबके सामने लाने की धमकी दी जाती है, और ये अटैक हर जगह होते हैं। 2021 में एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सर्वे में पता चला था कि पिछले साल सर्वे में शामिल 37% कंपनियों पर रैनसमवेयर हमले हुए थे। भारत में तो इनकी तादाद 68% है, और इससे पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर हमले हो चुके हैं। FBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 से सितंबर 2021 के बीच अमेरिका के पानी और गंदे पानी के सिस्टम पर 4 रैनसमवेयर हमले हुए थे। हैकरों ने फिरौती पाने के लिए ताजे पानी की सप्लाई रोक दी थी। एक और आम टारगेट है हॉस्पिटल। सितंबर 2020 में हैकर्स ने जर्मनी के डुसेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी के अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिससे मरीजों की जान पर बनाई थी। हालांकि हैकर्स का मकसद अस्पताल नहीं बल्कि डुसेलडॉर्फ यूनिवर्सिटी पर हमला करना था, तो उन्होंने फिरौती लिए बिना ही डिक्रिप्शन की, यानी डेटा रिलीज करने वाली चाबी दे दी थी। अप्रैल 2021 में अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन कोलोनियल हैक कर दी गई थी और वो 6 दिन तक बंद पड़ी रही। इसकी वजह से अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर किल्लत हो गई थी। आखिरकार कोलोनियल ने घुटने टेकते हुए बिटकॉइन में $44 लाख की फिरौती चुकाई थी। वहीं बेलारूस में पहली बार रैनसमवेयर हैकर्स ने फिरौती में पैसे नहीं बल्कि राजनीतिक मांगे रखी हैं। जानकार मानते हैं कि रैनसमवेयर हमले बढ़ेंगे और हैकर्स की निगाहें हमेशा अहम इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन रेलवे और बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाए गए थे तब तो किसी ने साइबर सिक्योरिटी का सोचा भी नहीं था। डिजिटल सिक्योरिटी का इंतजाम तो अक्सर बाद में ही किया जाता है, इसी वजह से ये मुश्किल है और इस पर हमला करना आसान। आपको क्या लगता है, क्या रैनसमवेयर अटैक जल्द ही एक्टिविस्ट और फ्रीडम फाइटर्स के साथ साथ आतंकवादियों का भी पसंदीदा खिलौना बन जाएंगे? बताइए हमें कॉमेंट बॉक्स में।